हे एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सिंपल पर बहुत ही डिलीशियस आलू गोभी की सब्जी, जो आलू गोभी और कुछ ड्राई मसाले का यूज़ करके बनाएंगे हम। आलू गोभी की डिश हर घर में अलग तरीके से बनाई जाती है, जो ड्राई होती है या हल्की ग्रेवी वाली होती है। तो मैं आज हल्की ग्रेवी वाली आलू गोभी की रेसिपी बनाकर आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी किए बनाते हैं आलू गोभी की डिश। तो सबसे पहले एक सॉस पैन में या किसी बर्तन में डालिए 2 से 3 कप पानी गोभी को उबालने के लिए। पानी थोड़ा गर्म हो गया है तो इसमें डालेंगे कटा हुआ 1 मीडियम साइज का गोभी और साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक डालने से सब्जी थोड़ी जल्दी बॉईल होती है, तो जब भी कोई भी सब्जी आप उबालें उसमें नमक ज़रूर डालें। इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर उबाल लेना है करीब 5 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट से ज़्यादा गोभी को बिल्कुल भी ना उबालें, क्योंकि अगर आप इसे ओवर कुक कर देते हैं तो इसका शेप बदल जाएगा और जब हम इसकी सब्जी बनाएंगे उस टाइम भी इसमें पानी ऐड करने ही वाले हैं, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। मैं गोभी के फूलों को उनके डंठल के साथ कट करके ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके डंठल में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, तो इसके डंठल को ना फेंके। और बहुत बार गोभी में कीड़े भी मिलते हैं, तो जब भी आप गोभी की सब्जी बनाएं इसे काटकर नमक वाले पानी में बॉईल करने के पहले करीब 15 से 20 मिनट के लिए डुबोकर रख लें। 10 मिनट हो गया इसे उबलते हुए और ये प्रॉपरली बॉईल भी हो चुके हैं, तो इसे निकाल कर साइड रख लें। अब एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लें और उसमें डालें 1 टेबल स्पून के करीब सरसों का तेल और तेल को भी हाई फ्लेम पर गर्म कर लें। सरसों के तेल की जगह आप रिफाइंड तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर आलू गोभी की सब्ज़ी अगर आप सरसों के तेल में बनाते हैं तो सब्ज़ी का टेस्ट और बढ़ जाता है। तेल अच्छे से गर्म हो गई है तो अब इसमें डालेंगे उबले हुए गोभी और इसे लो टू मीडियम आंच पर फ्राई कर लेंगे। गोभी को 1 से 2 मिनट के लिए चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद इसमें डालेंगे 2 से 3 मीडियम साइज़ के कटके हुए आलू और इसे भी साथ में हमें 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं गोभी और आलू जो है वो हल्की सी गोल्डन ब्राउन भी हो चुकी है, तो अब इसे एक अलग प्लेट में निकाल लें। अब सेम कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबलस्पून सरसों का तेल और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म होने देंगे। सरसों के तेल के कच्चेपन को हटाने के लिए इसे तेज आंच पर अच्छे से गर्म करना बहुत ज़रूरी है। तेल गर्म हो गई है तो इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून खड़ा जीरा और इसे तड़कने देंगे। फिर डालेंगे कुछ और खड़े गर्म मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 छोटी इलायची और 2 लौंग, और इन्हें कुछ सेकेंड्स के लिए तड़कने देंगे। अब फ्लेम को लो टू मीडियम पर कर लेंगे और डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज और इसे 3 से 4 मिनट के लिए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भून लेना है। और इसी बीच इसमें डालेंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च और इसे भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं प्याज हल्का ब्राउन भी हो गया है, तो अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इसकी कच्ची महक ना चली जाए। अदरक लहसुन जो है वो अच्छे से भून चुकी है, तो अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी और इसे लो फ्लेम पर हमें थोड़ा भून लेना है। टमाटर को थोड़ा भुनने के बाद इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और 3 से 4 मिनट टमाटर को पका लेंगे। तीन से चार मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं टमाटर में से तेल अलग नज़र आ रहा है, इसका मतलब है टमाटर अच्छे से भुन चुकी है। तो अब इसमें डालेंगे सारे सूखे मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मसाले को अच्छे से मिला लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए थोड़ा पानी डालकर भून लेंगे। 1 मिनट हो गया है और मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, तो अब गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे दही, जो मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के करीब, और दही को मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे। दही जब भी डालें मसाले में, फ्लेम बंद करके या बिल्कुल लो फ्लेम पर डालें, इससे दही कभी नहीं फटेगी।
दही मिल चुकी है मसाले में, तो अब गैस ऑन कर लेते हैं और फ्लेम को मीडियम पर करके इसमें डालें आलू और गोभी जो हमने पहले फ्राई किया था, और इसे अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लें। गोभी और आलू को मसाले के साथ करीब 1 से 2 मिनट तक हमें अच्छे से भून लेना है। 1 से 2 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं मसाले की कोटिंग भी अच्छे से हो गई है सब्जी में, तो अब इसमें डालेंगे 1 कप के करीब पानी और इसे अच्छे से चला लेंगे। अब फ्लेम को लो पर कर ले और इसमें ढक्कन लगाकर इसे हमें पकाना है करीब 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट हो गए हैं तो ढक्कन हटाकर सब्जी को चेक कर लेते हैं। सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है, तो अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ड्राई कसूरी मेथी और साथ में डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब लास्ट में डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और पकने देंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो गया है और बनकर रेडी है ये मसालेदार आलू गोभी की सब्जी। इसे आप रोटी पराठे या चावल दाल के साथ इंजॉय करें अपने लंच या डिनर में। अगर आपको मेरी ये आलू गोभी की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। ये बहुत आसान है बनाने में, तो इसे मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं और कमेंट कर बताएं कि आपको कैसी लगी। और अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, टेक केयर।